पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बागेश्वर जिले में कोरोना की बेकाबू रफ्तार जारी है। जिले में कोरोना से लगातार हो रही मौतों से जिले की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। आपको बता दें कि कोरोना की चपेट में आने से बीते दिन जिले में एक और नई मौत होने का मामला सामने आया है। वहीं बढ़ते संक्रमण के आंकड़े जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। बागेश्वर में कोरोना दिनों दिन घातक साबित होता जा रहा है। आपको बता दें कि जिले में कहर बरपाते कोरोना की चपेट में आने से एक नई मौत होने का मामला सामने आया है। इस दौरान जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीडी जोशी ने बताया कि जिले से बीते दिन 358 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं बीते दिन जिले से कोरोना के 186 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। तो वहीं बीते दिन 281 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उस दौरान उन्होंने बताया कि अब तक 90,000 से ज्यादा लोगों के सैंपलों की जांच हो चुकी है, जिनमें से 5,204 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो वहीं 4,000 से ज्यादा मरीज ठीक होने के बाद घर लौट गए हैं। वहीं बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के साथ जिले में एक्टिव केसों की संख्या भी 61 पहुंच गई है। साथ ही 932 लोगों को घर में ही क्वारंटाइन किया गया है। बता दें कि बीते दिन हुई एक मरीज की मौत के बाद जिले में मरने वालों का आंकड़ा 44 पहुंच गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।